हेलो दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी में वेल्डिंग सिंबल के बारे में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लर्निंग के लिए पब्लिश करूं। सो उनकी रिक्वेस्ट को समझ के मैंने ये पहला वीडियो हिंदी में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग सिंबल के बारे में समझेंगे, वेल्डिंग सिंबल कैसे बनाया जाता है ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वेल्डिंग सिंबल को कैसे समझाया जा सकता है, और वेल्डिंग सिंबल के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं इन वीडियो में कवर करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो वेल्डिंग सिंबल को समझने से पहले वेल्डिंग सिंबल और वेल्ड सिंबल के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। किसे वेल्ड सिंबल बोलते हैं, किसे वेल्डिंग सिंबल बोलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेल्ड सिंबल। जैसे कि इस डेफिनेशन में बताया गया है, वेल्ड सिंबल सिर्फ टाइप ऑफ वेल्ड इंडिकेट करता है। जिस तरह से आप ये टेबल में देख सकते हो, अलग अलग टाइप के वेल्ड सिंबल है जो स्पेसिफिक वेल्ड प्रोसेस या फिर वेल्ड का लेआउट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया, वो आपका फिलेट वेल्ड दिखाएगा। सीम वेल्ड के लिए डिफरेंट इंडिकेशन है, प्लग वेल्ड के लिए डिफरेंट इंडिकेशन है। सो इससे आपको सिर्फ ऐसा आइडिया आएगा कि कौन से टाइप का वेल्ड होगा। वेल्ड सिंबल से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हो कि ड्राइंग में कौन सी जगह पे या कौन से जॉइंट के ऊपर ये वेल्ड सिंबल यूज़ हो सकता है। उसके लिए आपको वेल्डिंग सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। सो सिर्फ वेल्ड का बेसिक आइडिया लेने के लिए आपको वेल्ड सिंबल चाहिए, लेकिन वेल्ड सिंबल से भी ज़्यादा उसका लोकेशन जानने के लिए और उससे जुड़ी हुई और बातें जानने के लिए आपको वेल्डिंग सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगली स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि वेल्डिंग सिंबल किसे कहते हैं। वेल्डिंग सिंबल, जैसा कि आप ये सेक्शन व्यू में देख सकते हो, वेल्डिंग सिंबल इंडिकेट्स अ कंप्लीट वेल्डिंग इन्फॉर्मेशन। उसका मतलब है कि पूरी वेल्डिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेल्डिंग सिंबल आपको दिखाएगा, और वो ड्राइंग में होता है। सो डिज़ाइन इंजीनियर या फिर जो वेल्डिंग इंजीनियर ड्राइंग डिसाइड करता है, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वेल्डिंग सिंबल दिखाता है। और वेल्डिंग सिंबल का मतलब हुआ वो एरिया में उसको वो इन्फॉर्मेशन के साथ वेल्डिंग की एप्लीकेशन चाहिए। सो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वेल्ड सिंबल इट्स द पार्ट ऑफ वेल्डिंग सिंबल। वेल्ड सिंबल एक छोटा सा इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ड्राइंग में आएगी और वो बन जाएगा आपका वेल्डिंग सिंबल। जैसे कि आप सब ये एग्जांपल्स में देख रहे हो, अलग अलग एरिया में वेल्डिंग सिंबल की मदद से वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट समझी जा सकती है। चलिए अब हम वेल्डिंग सिंबल के हर एक पार्ट्स को समझते हैं। सो सबसे पहले ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, एंड ये रेफरेंस लाइन इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। सो रेफरेंस लाइन्स होनी ही चाहिए। उसके बाद है एरो लाइन, जो रेफरेंस लाइन और एरो लाइन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये भी नेसेसरी है। सो रेफरेंस लाइन एंड एरो लाइन हर एक वेल्डिंग सिंबल का पार्ट होगी। उसके बाद ये रहा आपका वेल्ड सिंबल। यहाँ कोई भी वेल्ड सिंबल आ सकता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर या रेफरेंस लाइन के नीचे। उसके बाद एंड ऑफ द रेफरेंस लाइन, उसमें ये पार्ट है, उसको बोलते हैं वेल्डिंग सिंबल टेल। टेल का इम्पोर्टेंस थियोरेटिकल नॉलेज या फिर कोई नोट देने के लिए होता है। अगर डिज़ाइन इंजीनियर को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन वहाँ रखनी है, सो वो वहाँ टेल में वो नोट लिख देगा। उसके बाद है वेल्डिंग साइज। जैसा कि आप देख सकते हो, वेल्डिंग सिंबल के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आप वेल्डिंग की साइज़ लिखना है, वो मिलीमीटर में या इंच में हो सकती है। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंथ ऑफ द वेल्डिंग आप दिखा सकते हो।
सो लेंथ ऑफ द वेल्डिंग हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द वेल्ड सिंबल आएगी, और जैसा कि मैंने बताया साइज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वेल्डिंग सिंबल आएगी। इसमें काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं साइज और लेंथ को समझने के लिए, लेकिन आपको हमेशा ऐसा याद रखना है कि वेल्ड सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड साइज दिखाई जाएगी और राइट हैंड साइड ऑलवेज लेंथ दिखाई जाएगी। लेंथ के बाद आएगा पिच। पिच को हम लोग बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और ये इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड जो स्पेस होती है फिलेट वेल्ड के बीच में, उसको समझने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए पिच को यूज़ किया जाता है, और मैं अगले वीडियो में उसका यूज़ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। उसके बाद आता है फिनिशिंग सिंबल। फिनिशिंग सिंबल का मतलब है जब आप वेल्डिंग को फिनिश करोगे, तब वेल्डिंग को फिनिश करने के बाद कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या एप्लीकेशन है उससे जुड़ी हुई, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिनिशिंग सिंबल में दिखाई जाएगी। फिनिशिंग सिंबल अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी ग्राइंडिंग करना हो तो उसमें कैपिटल जी लिखा जाएगा, कभी पेंटिंग करना हो तो उसके ऊपर पी लिखा जाएगा। सो अलग अलग पेंटिंग, ग्राइंडिंग, हर एक नोट से आपको वेल्डिंग की फिनिशिंग कैसे करनी है वो पता चलेगा, और जैसा कि आप देख सकते हो वो हमेशा वेल्ड सिंबल के ऊपर आएगा। उसके बाद है ये सर्कल, जिसको बोलते हैं वेल्ड ऑल अराउंड सिंबल, कि जहाँ आपकी रेफरेंस लाइन और एरो लाइन मिलती है वहाँ पे जब आप ये सर्कल देखो, सो उसका मतलब हुआ कि वेल्ड ऑल अराउंड, उसका मतलब है पूरी सरफेस में ऑल अराउंड आपको वेल्डिंग की एप्लीकेशन करनी है। एंड आखिरी में है ये फ्लैग, जो रेफरेंस लाइन और एरो लाइन के इंटरसेक्शन के ऊपर वर्टिकली ड्रॉ की जा सकती है, और इसको बोलते हैं फील्ड वेल्ड। सो आपने अक्सर देखा होगा कि वेल्डिंग कभी शॉप में होता है या फिर फील्ड में होता है। सो जब आप ये फील्ड वेल्ड का सिंबल देखो, सो उसका मतलब हुआ कि ये इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है कि ये वेल्ड फील्ड पे ही होना चाहिए। सो ये भी ऑप्शनल सिंबल है, लेकिन जब आप उसको देखो तो आपको ऐसा समझना है कि वेल्डिंग की एप्लीकेशन फील्ड में होनी चाहिए। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं, वेल्डिंग सिंबल को समझने का ट्राई करेंगे इस सेक्शन व्यू से। सो ये वेल्डिंग सिंबल आप देख सकते हो। सो उसमें मैंने समझाया उसके हिसाब से, ये हुआ आपका वेल्डिंग सिंबल टेल, और इसमें एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद ये फ्लैग है, दैट इज़ योर फील्ड वेल्ड, जो फील्ड वेल्ड बताने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आपकी ये एरो लाइन जो आपको बता रही है कि एरो के हिसाब से ये जॉइंट के ऊपर यहाँ वेल्ड होना चाहिए, और फाइनली 1/4 ऑफ एन इंचेस जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वेल्ड सिंबल के, उसको बोलते हैं वेल्ड साइज। यह वेल्डिंग सिंबल में आप देख सकते हो वेल्ड ऑल अराउंड का यूज़ हुआ है, उसका मतलब है कि जहाँ एरो दिखाया है वहाँ पे ऑल अराउंड एरिया में 1/4 ऑफ एन इंचेस फिलेट वेल्ड करना है। थैंक यू। अगर आपको और एग्जांपल जानने हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वेल्डिंग इंस्पेक्शन या वेल्डिंग रिलेटेड कोई टॉपिक पे कुछ सीखना है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा।